धार जिले के पीथमपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ बड़ा हादसा, जहां ट्रक ने स्विफ्ट कार को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में कार असंतुलित होकर पलट गई। कार में सवार एक ही परिवार के 5 लोग दब गए। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई और राहगीरों की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। कार में सवार परिवार ठिकरी बड़वानी क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। मैम बताएं आज क्या घटना हुई। आज एक स्विफ्ट कार में परिवार इंदौर से ठीकरी तरफ जा रहा था, उसको पीछे से किसी ट्रक ने टक्कर मारी, जिससे उनकी गाड़ी पलटी खा के साइड में गिर गई थी। तत्काल थाने पर जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, थाने से पुलिस बल पहुंचा है। ट्रैफिक जाम हो गया था, जिसे क्लियर कराया जा चुका है। मैम कुल कितने लोग गाड़ी में बैठे थे? गाड़ी में कुल 5 लोग बैठे थे। किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। आपका नाम और पद बता दें। सब इंस्पेक्टर हिना जोशी। मैं गाड़ी चला रहा था और मैं आ रहा था इधर से, इंदौर से घटवा जा रहा था, और मेरे पीछे से मेरे को किसने मारा मेरे को भी नहीं अनुभव उसका, कौन सी गाड़ी ने मारा क्या करा। और मैंने ब्रेक टच करके गाड़ी को रोकी और रोकते रोकते गाड़ी एक पलटी खा गई और सब हम अंदर के अंदर एक दूसरे के ऊपर गिर गए। इसके अलावा लगा किसी को नहीं हमको। कितने लोग थे गाड़ी के अंदर? 5 लोग थे हम। घटनास्थल पर सबसे पहले किस तरह का बचाव कार्य किया गया, किन लोगों ने बचाया? इन लोगों ने मतलब गाड़ी फाटा, मैंने कांच तोड़ा था, बाकी इन लोग आके मेरे सबको सबको पहले मेरे को निकाला, फिर इनके बाद में मम्मी पापा को निकाला और उसके बाद बुआ को निकाला और मेरे ब्रदर को निकाला। आप कहाँ से कहाँ की ओर जा रहे थे? इंदौर से घटवा जा रहे थे। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। प्रकाश पाटीदार है मेरा नाम। ओके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।